और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह अपने शानो शौकत के लिए जाने जाते हैं। चाहे उनका घर मुंबई में हो या फिर आरा में, या फिर गाड़ियों की बात करें तो वो अपनी शानो शौकत जमकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दिखाते हैं। तभी तो इनका क्रेज सोशल मीडिया के साथ साथ उनके फैंस में काफी ज्यादा अलग है। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम तरीके से धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। इसी बीच भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार पवन सिंह ने धनतेरस के शुभ अवसर पर मुंबई में एक नई गाड़ी लिया है, जिसका नाम है रेंज रोवर। जी हां, आपको बता दें कि रेंज रोवर की कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेंज रोवर के साथ पवन सिंह की कई सारी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में वायरल हो रही है और हर कोई इस फोटो को काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। साथ ही साथ पवन सिंह के फैंस इस फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो गाड़ी पवन सिंह ने लिया है उसका कीमत करीब 2.5 करोड़ का बताया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह ने अपनी गाड़ियों के कलेक्शन में रेंज रोवर का इजाफा किया है। इससे पहले भी पवन सिंह ने मर्सिडीज कार लिया था। आपको बता दें कि गाड़ी लेते समय पवन सिंह अपने दोस्तों संतोष सिंह और अमित सिंह के पेज फेसबुक पेज पर लाइव आकर अपने दर्शकों का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि इसके बाद पवन सिंह के फैंस पवन सिंह को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आते हुए कहा है कि वो अपने दर्शकों की वजह से यह गाड़ी ले पाए हैं। आज मैं जो भी हूँ सब दर्शकों की प्यार से हूँ। आपको बता दें कि पवन सिंह हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म पवन पुत्र की शूटिंग लखनऊ में पूरा किया है और जल्द ही उनके कई सारे छठ के एल्बम रिलीज होने वाले हैं।